मुकाबले की जिद ठहरी तो आओ मुकाबला कर लें। हमने कई बार अपने हुनर से जमाने का भरम तोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम थम ही नहीं रहा है। चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन उसके पहले कुर्सी दौर प्रारंभ हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच तो ऐसे मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में हमेशा से खास रहा है, इसलिए उसका सियासी संग्राम भी खास हो गया है। सत्ता पर बैठी समाजवादी पार्टी के कुनबे में ही लंबे समय से कलह चल रही है, जो हर पल नए अंदाज में सामने आ रही है। कुश्ती के खेल में दो मिनट में कई तरह के दांवपेच देखने मिलते हैं, और यूपी के दंगल में भी पल पल नए दांवपेच मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। कभी पिता और चाचा अखिलेश पर भारी पड़ते हैं, तो कभी अखिलेश उन्हें तगड़ी पटखनी देते हुए नजर आते हैं और साबित करते हैं कि राजनीति के पैंतरे उन्होंने अपने बड़ों से ही सीखे हैं। यादव कुनवे के इस कलह का असर समाजवादी पार्टी को कहां ले जाएगा? क्या यह चुनाव में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या आपसी फूट से दूसरों का भला होगा? ऐसे कई सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय सिंह। अजय जी, आपका स्वागत है। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से यादव परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। समाजवादी पार्टी की सत्ता अखिलेश संभाल रहे हैं, लेकिन पिता और चाचा के हाथों पार्टी की कमान थी। जल्द होने वाले चुनावों में टिकट बंटवारे के प्रश्न को साख का सवाल बना लिया गया है। मुलायम शिपाल की लिस्ट में अपने करीबियों का नाम होने से खिन्न अखिलेश ने अपनी लिस्ट जारी की। यह सियासी लड़ाई उस वक्त बेहद रोमांचक हो गई जब अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन अगले ही दिन एक नाटकीय घटनाक्रम में उन्हें वापस भी ले लिया गया। ऐसा जताया गया कि मतभेद खत्म हो गए हैं। इस निष्कासन वापसी का विरोधियों, खासकर भाजपा ने खूब मजाक उड़ाया। बीजेपी सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी में वापसी हो सकती है जिसने उन्हें निष्कासित किया, लेकिन उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड विफलताओं से भरा है। उनकी सरकार ने न केवल भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया, बल्कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल, अब जो घटनाक्रम चल रहा है उससे मतभेद दोबारा जाहिर हो रहे हैं। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी के विशेष अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। राम गोपाल यादव द्वारा आयोजित विशेष अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव की जगह अब अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने के साथ माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश युग का सूत्रपात हो गया है। मुलायम सिंह को पार्टी का रहनुमा मानते हुए संरक्षक बनाया गया है और उनके करीबियों में शुमार शिवपाल सिंह यादव की प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी छीन ली गई है। साथ ही अखिलेश यादव खेमे के आंख की किरकिरी बने अमर सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। इसको अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी से 6 साल के लिए निकाले जाने के करीब 24 घंटे में ही न केवल अखिलेश ने पार्टी में वापसी की, बल्कि उसके अगले ही दिन पूरी तरह से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली और अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। अजय जी, क्या यह अंदरूनी कलह में साफ साफ जीत और हार का संकेत है, और क्या यह माना जाए कि यह समाजवादी पार्टी के नए युग की शुरुआत है? देखिए, इस कलह से साफ साफ जीत और हार का संकेत तो मानना शायद ज्यादती होगी, क्योंकि आज से लगभग 1.5-2 साल, मोटा मोटा 2 साल पहले करीब ये तैयारी शुरू हो गई थी। उस समय भी अखिलेश यादव के सामने दो विकल्प थे, पहला कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएं और दूसरा ये कि पार्टी इस पार्टी को ही टेक ओवर कर लें, जिसमें अंततः वो सफल हुए। और जो जिसको कहें कि दूसरा विकल्प उन्होंने चुना था, उस विकल्प में और बाकी तैयारी इनकी बहुत पहले से थी, क्योंकि मुलायम सिंह में और अखिलेश के बीच इस चीज़ को लेकर हमेशा द्वंद चल रहा था कि कौन जो है इस पार्टी का सर्वे सर्वा होगा, जिसमें कहीं किसी मौके पे अखिलेश ऊँचे पड़ते थे तो किसी मौके पे शिवपाल ऊँचे पड़ते थे। यही आपको याद होगा कि जब सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया आदि लोगों को निकाला गया था, तो उन सब अपने जो यूथ है, जो उनके साथ लोग हैं, उनके पक्ष लेते हुए अखिलेश यादव सफाई महोत्सव तक में नहीं गए थे, और जब और उसका यह दबाव पड़ा था कि अगले दिन ही मुलायम सिंह को उनको वापस लेना पड़ा था।
आपको बता दें कि यह विशेष अधिवेशन पूरी तरह से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के नाम रहा। मंच पर शिवपाल यादव के पोस्टर नदारद रहे और मुलायम सिंह के पत्र के बावजूद सम्मेलन में लगभग 10,000 पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 1 जनवरी को एक खुला पत्र जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल नहीं होने की अपील की थी। पत्र में मुलायम ने इस अधिवेशन को पार्टी संविधान के खिलाफ माना है और इसे पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। मुलायम ने पत्र में लिखा है कि यह आयोजन पूरी तरह से पार्टी संविधान के विरुद्ध है और पार्टी अनुशासन के विपरीत और पार्टी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, अतः आप तथाकथित ऐसे किसी सम्मेलन में भाग न लें। पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए 40% सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। यहां अखिलेश के पास 40% से ज्यादा का समर्थन है। यादव परिवार के 5 सांसदों में से मुलायम को अगर छोड़ दिया जाए तो अखिलेश की पत्नी डिंपल, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव और भतीजा तेज प्रताप यादव भी अखिलेश के साथ ही खड़े हैं। एक तरह से पूरी समाजवादी पार्टी का ढांचा अखिलेश के पास चला गया है और मुलायम सिंह के साथ सिर्फ 3 या 4 लोग बच गए हैं, जिनमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल और अमर सिंह हैं। दांव पेच के दंगल में मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव को फिर से सपा से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है और अब 5 जनवरी को मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय अधिवेशन का ऐलान किया है। तो अजय जी, सवाल यह है कि क्या यह सियासत की कड़वी सच्चाई है जिसे मुलायम सिंह यादव देख और झेल रहे हैं? यह सियासत की सच्चाई है जिसको मुलायम सिंह देख भी रहे हैं और झेल भी रहे हैं। बल उनका जो सपना था कभी प्रधानमंत्री बनने का, वो नहीं पूरा हुआ। अब वो इस उसमें थे कि शायद वो राष्ट्रपति बन जाएं, शायद वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पार्टी के अध्यक्ष थे, अब वो भी शायद उनके हाथ से निकल गया है। तो अब सारी चीज़ें, अब उन्होंने शायद उन चीज़ों को आत्मसात कर लिया है कि अब जो सच्चाई है उसी को देखा जाए और अखिलेश को पूरी तरह से जो है कमांड दी जाए और अखिलेश वही उसी पर चल ही रहे हैं। और जहाँ तक रही बात काम की, तो अखिलेश की छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है अभी तक देखा जाए तो, और काम भी काफ़ी हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो और जहाँ तक कल की बात रही, आप लोगों ने खुद भी देखा है कि 229 जो उनके विधायक हैं उनमें से करीब 200 विधायक उनके साथ थे। और कल भी अधिवेशन आज जो हुआ उसमें भी आप ये देखें कि नरेश अग्रवाल, रेवती रमण और जो है जैसे लोग, सभी लोग मंच पे थे। तो इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि सभी लोग अब अखिलेश के साथ ही बढ़ना चाह रहे हैं, अखिलेश में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। तो इस चीज़ को मुलायम सिंह मेरे ख्याल से समझ रहे हैं और वो इसी चीज़ को अब एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे 5 तारीख को फिर से। पिछला चुनाव बेशक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जीता गया था, लेकिन उसके बाद प्रदेश की कमान अखिलेश ने संभाली। मुजफ्फरनगर दंगों से निपटने को छोड़कर अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव ने एक साफ सुथरी पहचान वाले नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। यहां तक कि कई मौकों पर पिता मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल यादव के फैसलों को भी पलटने से वे बाज नहीं आए। तो अजय जी, सवाल यह है कि क्या बरगद के पेड़ के नीचे नए पौधे का बढ़ना पिता और चाचा को रास नहीं आया? पिता और चाचा को ये भी समझना चाहिए कि आज जमाना बहुत बदल गया है, लोगों की जो है सत्ता से अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। आज इतने जो हम इस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं उसमें बहुत सारा जो हर तरह की संचार क्रांति से हर चीज़ का पता चल जाता है लोगों को। और आज की तारीख में कोई भी सरकार हो उसको काम तो करना ही होगा, चाहे वो चाचा की सरकार हो, चाहे पिताजी की सरकार हो या बेटे की सरकार हो। इस जहाँ तक रही अखिलेश यादव की बात, उन्होंने काम किया है और जहाँ पिछला चुनाव लड़ा जरूर जो है वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में गया, लेकिन इसमें मान के चलिए कि उस चुनाव की भी रीढ़ की हड्डी जो है अखिलेश यादव ही थे, क्योंकि इतना जो युवा था वो पूरा का पूरा जो है उनके साथ था। और आज भी वो युवा इसी वो उस चीज़ को देखते हुए, उस असलियत को पहचानते हुए आज जितने भी विधायक, मंत्री, नेता जो भी हैं, आप ये देख लीजिए कि लगभग 90% लोग समाजवादी पार्टी के अखिलेश के साथ ही हैं। तो अब आगे का भविष्य जो है वो अखिलेश के हाथों में ही है। बाकी रही बात चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
मुलायम सिंह यादव कुश्ती और राजनीति दोनों के पैतरे खूब जानते हैं। उनके साथ रहकर शिवपाल यादव ने भी कई दांव सीखे, लेकिन फिलहाल इस दंगल का सुल्तान टीपू ही नजर आ रहा है। मुलायम और शिवपाल दोनों भाई यही कह सकते हैं कि तुहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, किस लिए आए थे और क्या कर चले। क्षमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। तो धन्यवाद अजय जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।